जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है मूंग की दाल की बर्फियाँ। नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये होती ही इतनी टेस्टी है और लगभग सभी लोगों की फेवरेट भी होती है। ये रेसिपी मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में शेयर करूंगी, जिससे इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। रेसिपी और तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। मूंग की दाल की बर्फी या मूंग की दाल की चिक्की बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कप मूंग की दाल, जिसे मैंने एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और आप देख सकते हैं दाल फूलकर जस्ट डबल हो चुकी है, और वजन में आप देखेंगे तो ये 250 ग्राम के करीब दाल है। और अब हम इसका सारा ये एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। मूंग की दाल की बर्फी के लिए आप कभी भी दाल भिगोएं, बहुत ज्यादा देर के लिए ना भिगोएं, ना उसे गर्म पानी में भिगोएं, वरना दाल का कलर निकल जाता है। दाल को मैंने चलनी में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, और बस इसके बाद हम दाल को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। अगर पीसने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप एक दो चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी के साथ आप दाल को ना पीसें। और दाल अच्छे से पीस चुकी है, ना तो दाल बहुत ज्यादा बारीक है ना बहुत ज्यादा मोटी है। अब बारी है दाल को भूनने की, और उसके लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने एक भारी पैदे की नॉनस्टिक कढ़ाई रख दी है। अगर आप बिगनर हैं या आप पहली बार मूंग की दाल की बर्फी या चिक्की जमाने वाले हैं, तो अच्छा हो कि आप नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करें। इसमें चिक्की बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और जितनी हमने दाल ली थी उतना ही हमने देसी घी ले लिया है, और घी को गर्म कर लेंगे। और घी के गर्म होने से पहले ही हम ये जो दाल थी ये भी डाल देंगे। अगर घी ज्यादा तेज गर्म हो गया तो दाल पकौड़ी की तरह तल जाएगी और उसको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और पहले थोड़ी देर हम दाल को एकदम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और उसके बाद फ्लेम को बढ़ा देंगे। इसमें हो सकता है आपको देखने में लगे घी बहुत ज्यादा है, लेकिन मूंग की दाल की बर्फी में घी थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है। दाल को भूनते हुए अभी सिर्फ एक ही मिनट हुआ है, और आप देख सकते हैं कि दाल ने पूरी तरह घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस दाल को भूनने में हमें 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा। मीडियम फ्लेम पर मुझे दाल को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल अलग अलग हो गई है, यानी कि एकदम बिखरने लगी है। लेकिन अभी ये भुनी नहीं है, भुनने की पहचान अलग होती है। आप दाल को इस तरीके से लें और आपके हाथ में सूजी की तरह दाना आने लगे, तब आप समझिए दाल भुन चुकी है और उसका कलर भी इससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और बस हम इसी तरीके से अभी दाल को और भूनेंगे। दाल को भूनते हुए मुझे करीब 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। इसके भुनने की एक तो पहचान है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, दाल का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तीसरी और एकदम परफेक्ट पहचान ये है कि आप दाल को इस तरीके से उठाइए और हाथों से आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें जो दाना है वो सूजी की तरह आपके हाथ में आएगा। और अगर आप बिगनर हैं और आपको बिल्कुल भी दाल की पहचान नहीं पड़ पा रही है, तो आप एक बहुत इजी काम कर सकते हैं। जो नॉर्मली जो नए लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं, आप दाल को कुछ सेकंड के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए, और अगर उसके बाद आप दाल को पलटेंगे तो आप देखिए दाल का कलर नीचे से हर बार आपको हल्का सा लाल दिखाई देगा, और इसका मतलब है कि दाल फाइनली बहुत ही अच्छी तरह भुन चुकी है। और जो लोग बनाते रहते हैं उन्हें तो वैसे ही पहचान पड़ ही जाती है। और दाल को भूनते हुए मुझे करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल को गैस पे से उतार लेंगे, कढ़ाई भारी है इसलिए थोड़ी सी देर हिलाते रहेंगे वरना दाल नीचे से जल जाएगी। और उसके बाद गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने एक और पैन रख दिया है, और उस पैन के अंदर हम डालेंगे चीनी। और मैंने 250 ग्राम दाल ली थी, उसके लिए मैंने 300 ग्राम चीनी ली है। आप मीठा अगर कम खाते हैं तो आप सिर्फ 250 ग्राम ही चीनी ले सकते हैं। जितनी चीनी ली है उससे कुछ कम हम पानी डाल देंगे और चाशनी को बनने देंगे। इस दाल की बर्फी या चक्की के लिए हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस पानी में चीनी अच्छे से मेल्ट हुई और चाशनी बनकर तैयार है। और इसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, और चाहें तो खाने वाला पीला रंग डाल सकते हैं।
ये थोड़ा सा मैं केसर डाल देती हूँ और थोड़ा सा रंग डाल दूंगी जिससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ी सी मैंने केसर डाल दिया है और थोड़ा सा हम डाल देते हैं ये खाने वाला पीला रंग। रंग या केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको पसंद है या आप डालना चाहते हैं तो डालिए वरना आप मत डालिए। 250 ग्राम हमने दाल ली थी, 300 ग्राम हमने चीनी ली है और ये मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब मावा। और ये घर का भुना हुआ मावा है और आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छे से भुना हुआ है और इसे चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस समय फ्लेम को हाई रखेंगे। अगर आप बर्फियों में मावा नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना मावे के भी इन्हें बना सकते हैं। बस ये जो चाशनी हमारी उबल रही थी हम ये मूंग की दाल वाले मिश्रण में डाल देंगे। फ्लेम को हाई करेंगे। थोड़ी देर हम चाशनी में ही ये मूंग की दाल का जो मिश्रण हमने भूनकर तैयार किया है इसमें चलाते रहेंगे जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया इसमें एक सूजी जैसा दाना आ जाता है। और बस उसके बाद में ये हमारा मिश्रण जमने के लिए तैयार हो जाएगा। चाशनी में मैंने मूंग की दाल के मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह चला लिया है और आप देख सकते हैं कि इसने चाशनी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। और बस अब हम इसमें डालेंगे ये 8-10 हरी इलायचियां जिसे मैंने बारीक कूट लिया है। एक बार मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मिश्रण जमेगा या नहीं जमेगा, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर आती है। उसका मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे बताऊंगी जिससे आप चाहे बेसन की बर्फी बनाएं या मूंग की दाल की या चने की दाल की, आपकी बर्फी कभी खराब नहीं होगी। आप दाल को इस तरीके से टच कीजिए और अगर उसमें हल्की सी चिपकन है तो इसका मतलब वो इजीली जम जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी चिपकन आ गई है और ये काफी ड्राई भी हो गया है, इसका मतलब हमारी बर्फियां अच्छी सी जम जाएंगी। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बर्फी को जमाने के लिए मैंने लिया है एक कांच का बाउल जिसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप बर्फी को जमा सके। और उसके बाद ये जो मिश्रण है ये हम बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिश्रण मैंने बर्तन में कर लिया है। एक चम्मच पर पीछे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क के साथ और आप चाहें तो पिस्ते के साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। 3-4 बादाम है जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है वो भी डाल देंगे। चम्मच से अच्छे से सेट कर देंगे जिससे पिस्ते और बादाम इसमें से निकले नहीं। और थोड़ा सा लगा देते हैं चांदी का बर्क जिससे ये देखने में और ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपके यहाँ बर्क अच्छा नहीं मिलता है या आप नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। बस अच्छे से प्रेस करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से बर्क भी लग गया है। और अब 2 घंटे के लिए हम बर्फियों को रख देंगे जिससे ये पूरी तरह कूल डाउन हो जाएंगी और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। मूंग दाल की बर्फी को रखे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। और उसके लिए एक शार्प नाइफ लेंगे और सबसे पहले किनारों को हम अच्छे से निकाल लेंगे। हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे से मूंग की दाल की चिक्की या बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं या जब कभी आपका मीठा खाने का मन हो आप तब भी इस बर्फी को ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स है जो मैंने वीडियो के अंदर शेयर करी है। अगर आपको मेरी ये मूंग दाल की बर्फी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत ही सिंपल तरीके से पर बहुत ही टेस्टी हमारी ये मूंग की दाल की बर्फियां बनकर तैयार है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और आप इन्हें 8 से 10 दिन तक रखकर खा सकते हैं। अगर रेसिपी और तरीका आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। थैंक यू।
Thank you.